अब ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे बुरे दिन खत्म हो गए। आज के बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आएंगी। अच्छा अर्पिता, तुम क्या कर रही हो? चलो बैठो, पास्ता खाओ। चलो। मुझे नहीं बैठना है अक्षत। अरे तुम्हें कुछ ना कुछ खाना चाहिए। चलो। अक्षत, मुझे भूख भी नहीं और मुझे बैठना भी नहीं। कमाल करती हो, बैठो तो सही। अक्षत रिलैक्स। मुझे लगता है अब वक्त आ गया, हमें सबको बता देना चाहिए। ये सीन तो कुछ खास नहीं लगता, या फिर एक्सक्यूज मी लव बॉय, हो क्या रहा है? चलिए इशू के बारे में बताइए। तुम्हें कैसे पता हमारे इशू के बारे में? अरे इशू का ही तो पूछ रहे भैया। तुमने हमारे इशू के बारे में इन्हें पहले बता दिया? नहीं अक्षत, हमें कुछ नहीं पता था, हमने सिर्फ गैस किया। पर तुम गैस कैसे कर सकती हो? आप इतना स्ट्रिक्टली फोर्स करो तो जरूर कोई इशू होगा। चलिए बताइए। अरे इशू है इसीलिए तो फोर्स कर रहा हूँ। तुम भी कमाल करते हो। इशू वाह, मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ। बधाई हो साले साहब। कांग्रेस सिस्टर। थैंक यू। आप लोगों ने माँ पापा को बताया? नहीं, अब तक नहीं। एक मिनट, सुनो सुनो आज की ताजा खबर। अक्षत भैया और अर्पिता भाभी इस परिवार में एक नया सदस्य लाने वाले हैं और मैं बुआ बनने वाली हूँ। अक्षत, अर्पिता, इधर आओ। अर्पिता, तुमने मुझे बताया नहीं? मम्मी जी, हम आपको यही बताना चाहते थे घर पे। बस बेटा बस। चलो चलो मुंह खोलो जल्दी। हाँ क्लियर कर। ये मिठाई मीठी खुशी के लिए, और कल हम पूरे रीति रिवाज के साथ गोद भराई की रस्म भी पूरी करेंगे। इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। क्यों भैया भाभी, सही कह रही हूँ ना मैं? क्यों नहीं, खुशी तो मिल बांट कर ही मनानी चाहिए। और ये न्यूज़ से इतनी बड़ी है, नई पीढ़ी का आगमन जो हो रहा है यहाँ। मुझे डेकोरेशन केटरिंग चिंता मत करो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अक्षत, अर्पिता को ऊपर ले जाओ, इसे आराम करने दो। भाभी, मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देने वाली हूँ। कहते हैं कि जब आप माँ बनने वाले हो तो आप अपने रूम में क्यूट क्यूट बेबीज की पिक्स लगा दो। तो मैं आपको वैसे ही क्यूट बेबी की पिक दूंगी, आप अपने बेडरूम में लगाना। ओके? नॉट पॉसिबल, क्योंकि अर्पिता के लिए सबसे क्यूट पिक्चर तो मेरे पास है। भाभी, इसकी स्टूपिड सी फोटो ना आप डस्टबिन में फेंक देना, क्योंकि मेरे बेबी से क्यूट और कोई बेबी हो ही नहीं सकता। एक मिनट, माय बेबी इज द क्यूटेस्ट। मेरा बेबी ज्यादा क्यूट है। क्या माय बेबी भाई, बेबी मेरा है। तुम लोग बस नाम के बारे में सोचो, ओके? जस्ट चिल। और अपनी अपनी फोटोज मुझे दो, मैं डिसाइड करूंगी कि कौन सी ज्यादा क्यूट है। ओके? अरे ये तो मेरे बचपन की फोटो है। और तुमने मेरे बचपन की फोटो कहाँ से ली? तुम्हारे पास पिक्चर कहाँ से आई? तुम्हारे पास मेरी फोटो कहाँ से आई? अरे अब तुम लोग पिक पे शुरू मत हो जाओ। किसकी पिक, किसकी पिक? एक दूसरे की फोटो दे रहे थे, दोनों ही बहुत स्वीट है। अब मैं ये दोनों पिक्चर्स एक साथ अपने कमरे में लगाऊंगी। मैं कल की गोद भराई की रस्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इसमें केसर मिलाया कि नहीं? उफ़ो, गर्भवती औरत को सिर्फ केसर मिलाया दूध पीना चाहिए। चलो मैं डाल के देती हूँ। अगर लड़की हुई तो अभिलाषा, और लड़का हुआ तो आभार। नहीं नहीं, अवनी, अवनी क्या हुआ? ओके? मैं यहाँ हूँ, अवनी रिलैक्स। क्या हुआ, कोई बुरा सपना देख लिया? बोलो क्या देखा? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है ठीक है, काम डाउन, यू काम डाउन प्लीज, काम डाउन। आराम से काम डाउन, सब ठीक है ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ ना कभी होगा, ये तुमने ही कहा था ना। अब मैं भी कर रहा हूँ, बुरा वक्त बीत चुका है अपनी हमेशा के लिए, और हमेशा की तरह तुम्हें कल सुबह फिर फ्रेश और ब्यूटीफुल दिखना है, ठीक है? अब सो जा, काम ना काम। जी मैंने अपनी कैटरिंग टीम बाहर सेट कर दी है, आपको अगर कुछ स्पेशल बनवाना हो तो बता दीजिएगा। जशन जी आपके रहते मुझे किस बात की चिंता है, जो आपकी इच्छा हो बनवा दीजिए। जी ठीक है। बुआ साहब, अवनी इतनी देर लगा दी तूने, कहाँ रह गई थी? सॉरी बुआ साहब, वो थोड़ी देर हो गई, शगुन का सामान ले रही थी। बताइए क्या काम करना? शुक्र है तू आ गई, तुझे पता है कितना काम पड़ा हुआ है। वो जो लेडीज आई हुई ना, उनके रिटर्न गिफ्ट तैयार करने, मैंने बैग्स वहाँ बना के रख दी है, उसमें लिस्ट भी है, तू तय कर लेना किसको क्या देना। प्लीज मैं कर देती हूँ। सो गए, शगुन की थाल हो गई, और क्या था? एक मिनट, इसमें केसर मिलाया कि नहीं? नहीं। उफ़ो, गर्भवती औरत को सिर्फ केसर मिलाया दूध पीना चाहिए। चलो मैं डाल के देती हूँ, तुम भी ना। ओह गॉड, यही सब तो देखा था मैंने सपने में। ओह नो, इसका मतलब है कि ऐसा मत कीजिए कौन जी। कर सपने को सच मत होने दीजिए प्लीज, को मुझे सच मत होने दीजिए। अवनी क्या हुआ, थी परेशान क्यों लग रही हो? बोलो, वो सपने का असर अब तक खत्म नहीं हुआ। अवनी क्या हुआ था सपने में? मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था? बोलो। किसने? मुझे कुछ नहीं होगा, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। हाँ, एक था वो अब जेल में सड़ रहा है, ठीक है? डोंट वरी। ओए राज। हाँ, मैं अभी आता हूँ। प्लीज स्टॉप क्राइंग। विराट मैं भी आपको ही कॉल करने वाला था। हम केस जीत चुके, कोर्ट ने इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक किया, विराट को फांसी की सजा हुई, उसके काले करतूतों की उसको सजा मिल गई। ओके, थैंक यू, थैंक गॉड। अब कम से कम विराट मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे वकील भाया, अवनी से बात हो रही थी के? हाँ, वो जानना चाहती है कि तुम्हें क्या सजा सुनाई गई, और वो खुश भी थी कि तुम्हारे करतूतों का सिलसिला अब खत्म हो गया। चलो अंदर, चलो चलो चलो, बैठाओ। अरे भाया, पानी मिलेगा? अरे बस कुछ ही देर में जेल आ जाएगा, वहीं पानी पी लेना। अरे गला सूख रहा है हमारा, सुबह से पानी की एक बूंद नसीब ना हुई, फांसी की सजा हुई है हमारे को, थोड़े दिन का मेहमान हूँ, आखिरी इच्छा पूरी ना कर सको हमारी। साहब, ये पानी मांग रहा है। संतोष, कहीं दुकान देख करके गाड़ी रोक देना। भाया जरा 4 चाय बनाओ। अरे भैया एक पानी का बोतल दो। घना कठिन काम हुए आप लोगों का, दिन भर भागा दौड़, है ना? अरे ये तो चाय की दुकान है भाया, चाय मिल जाती तो प्लीज। अरे भाया, घना धन्यवाद, घनी मेहरबानी, घनी कृपा जो आपने हमारे पर दया दिखाई। Thank you. ए, चलो चुपचाप अंदर चलो, चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। देखो तुम गलत कर रहे हो। देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो। चुपचाप अंदर चढ़, चढ़ो अंदर चढ़ो, चढ़ो। अपने अपने मोबाइल मारे को दो। अरे जल्दी दो, चलो चलो। अब चुपचाप अपने आप को रस्सी से बांध लो। देखो मैं कह रहा हूँ बहुत गलत कर रहे हो तुम। चुपकार, गन मुझे दे दो। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा करता जा, समझा? चल बांध रस्सी से अपने आप को। अरे बांध बांध मरदा। आओ पानी पिलाता हूँ तुम लोगों को। अरे सारी भाया, तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी ना है। अरे जब तक किसी और से बदला ना लूं हमारे को चैन ना मिलेगा। फांसी पे जब लटकूंगा तब लटकूंगा, पर अगर हमारी अंतिम इच्छा पूरी ना हुई तो भूत प्रेत बन के भटकूंगा ना। और हमारी अंतिम इच्छा यो है कि जाते जाते किसी की जिंदगी बर्बाद कर जाऊं। और मारे को पता है इस बंदूक की गोली पर किसका नाम लिखा है। अर्पिता तुम क्या सीढ़ियां उतर रही हो, चढ़ रही हो? चलो आ जाओ, बैठो। अक्षत तुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना तो घर में लिफ्ट लगा दे। राज इसको ले जाओ यहाँ से, तेरा दिमाग खराब कर रखा है। अर्पिता ऐसे मत चलो, ऐसे मत बैठो, जा लेके जाओ इसको। मैं नहीं जा रहा, तो खुद यहाँ बैठूंगा। राज ये औरतों का फंक्शन है, चलो जाओ यहाँ से। पता है अरे जाओ, धक्के खाने पड़ेंगे। चलो अरे बैठक में बैठते हैं। नमस्ते जी। ये क्या भावना जी, आपने हमें इतनी दूर से दिल्ली से जयपुर बुलाया और हमारा इंतजार भी नहीं किया, गोद भराई की रस्म शुरू भी कर दी। वो मुहूर्त का समय बीता जा रहा था ना। आप लोग आइए ना, मेरी बहू से मिले, आइए। भगवान तुम्हें एक सुंदर, तंदुरुस्त और गुणी बच्चा दे। थैंक यू। हमेशा सुखी रहना। रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे विहान के लिए भी तेरी जैसी सुंदर और गुणी लड़की मिले हमें बहू के रूप में। पर मिलेगी कैसे? भावना भाभी ने मुझे बताया है कि आप लोग एक घर में एक साथ 7 औरतें रहती हैं। जी, कोई प्रॉब्लम है उसमें? प्रॉब्लम वही जक्की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, प्रॉब्लम तो होगी ना। कभी कभी तो एक घर में एक सास के साथ निभाना मुश्किल हो जाता है। और आप लोग के घर में तो रोज 7 समुंदर पार करने वाली बात होती होगी, है ना? तो फिर आप ही बताओ ऐसे में कौन सी सुशील और सुंदर लड़की में इतना दम होगा तो आपके घर में ब्याह किया है, बताओ तो। लेकिन सावरी जी, हम 7 माओं में समुंदर जितना गहरा प्यार भी तो बसा है। हमें जरूर मिलेगी अच्छी बहू। हमारा बिहान भी तो खरा सोना है। अच्छा ठीक है भाई, फिर हम भी तो देखें, मिलेगी तो हमें भी बताना। लेकिन हाँ, सारी उम्र इंतजार मत करवाना। सावरी तुम क्या बोल रही हो? अरे भाभी सच्ची तो बोल रही हूँ। अर्पिता अब तू ये बता, अगर तुझे किसी ऐसे घर से रिश्ता आएगा तो तू क्या वहाँ शादी करने को तैयार होगी? बोल। तो चलो वादा रहा सावरी जी, हम आपको गलत साबित करके दिखाएंगे। यहाँ एक नहीं हम सातों की परख काम आएगी। हम अपने विहान के लिए बेस्ट बहू चुनकर लाएंगे जो अपने ससुराल में आएगी, अपने सतरंगी सपने भी बुनेगी और हम सात माओं के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी भी गुजारेगी। ठीक है भाई, हम भी देखेंगे। जरूर देखिएगा, हमने तो लड़की ढूंढना शुरू भी कर दिया है। अच्छा, कब से? 3 दिसंबर 2014 रात 10 बजे से। आप सबको भी निमंत्रण है हमारे 7 रंगों के इस अनोखे ससुराल में शामिल होने का। तो देखिए सतरंगी ससुराल सिर्फ जी टीवी पर। आजा यार, आइए। मेरा मानना है कि आदमी की जिंदगी में बाप बनने से बड़ा और खुशी का दिन कोई नहीं हो सकता। मैं तो मानता हूँ कि एक आदमी की जिंदगी मुकम्मल तभी होती है जब वो बाप बनता है। ओ जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो कहते हैं ना कि एडल्ट्स डोंट मेक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मेक एडल्ट्स। बिल्कुल सही। अब बेटा तुम देखना, तुम्हारे आने वाली जिंदगी तुम्हारे बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ओ जी जैसे मेरी घूमती है। भाई तजुर्बे से कह रहा हूँ, इसमें जो खुशी मिलती है ना, जिंदगी सफल हो जाती है। मुझे भी चाहिए ये अर्पिता भाभी की, मैं तुम्हारी दूसरे बोल में निकाल देती। नहीं आपने खीर नहीं, मुझे भी चाहिए। क्या चाहिए? What? हाँ आपने, मुझे भी एक बेबी चाहिए। अवनी प्लीज छोड़ो मुझे, आज बहुत काम है बाहर, छोड़ो। नो अवनी, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेती। अवनी कैन यू प्लीज हैव अ बेबी प्लीज? ओके, हमारा भी बेबी होगा। रियली? प्रॉमिस? अवनी भी बहुत काम है। अरे छोड़ छोड़। अरे नहीं, तुमने मेरी इतनी अच्छी बात मानी है, तुम्हें भी एक स्पेशल गिफ्ट मिलना चाहिए। क्या स्पेशल गिफ्ट? तुम मुझे किस करना चाहते? सच बात। हंसों का जोड़ा, चलो बाहर निकलो दोनों। बुआ साहब, मैंने कहा बाहर, अभी क्या अभी, चलो। घर में कोई नहीं है, सब राज भैया के ससुराल में गए हैं। वो अर्पिता भाभी की गोद भराई है ना? जी जी, बस मैं भी निकलने वाला हूँ कुछ देर में। जी जी, बस निकलने वाला हूँ। अच्छा, तो ये अवनी मारे को फांसी की सजा दिलाकर गोद भराई का जश्न बना रही है। अरे खुश हो ले छोरी, और थारी अखोटी ज्यादा देर न टिकने वाली, क्योंकि विराट इस खुशी को अब मातम में बदल देवेगा। ओए राज और अवनी, अपनी आखिरी सांसें गिन लेना, क्योंकि विराट आ रहा है। अवनी, तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? और एक बात बता, राज को इतना जरूरी क्या काम था जो वो यहाँ अंदर तक आ गया? वो चाची, आपको क्या लगता है अर्पिता भाभी को लड़का हो गया या लड़की? भाई जक्की जाने साबरा, जयपुर की जाने साबरा, अर्पिता का चेहरा एकदम खिला खिला सा है। माँ आपको क्या लगता है? सच कहूँ तो मुझे तो जुड़वा चाहिए, लड़का और लड़की दोनों। मम्मी जी अरे अर्पिता तू घबरा क्यों रही है? घर में इतने सारे लोग हैं बच्चों का ख्याल रखने के लिए। देख लेना, खेलते खिलाते बच्चे चुटकी में बड़े हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी लड़का हो या लड़की, उससे क्या फर्क पड़ता है? सब बच्चे तो भगवान के वरदान होते हैं, है ना? अच्छा अर्पिता, बेबी का नाम क्या रखोगी? मुझे तो सिर्फ एक ही नाम सबसे ज्यादा पसंद है जो मम्मी जी ने रखा था, अक्षत। और मेरे बच्चे का नाम भी मम्मी जी ही रखेंगी। ठीक है, अगर लड़की हुई तो अभिलाषा, और लड़का हुआ तो आभार। अगर लड़की हुई तो अभिलाषा, और लड़का हुआ तो आभार। ओह गॉड, कहीं मेरा बुरा सपना सच तो नहीं होने वाला? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैं जा नहीं सकता। जैसे मेरे हाउसअप ने हमको बताया था, ससुराल में आज फंक्शन है। कभी कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ हुआ तो नहीं मतलब क्या होता है राज? ध्यान तो देना चाहिए, मेरी तो जान ही निकल गई थी राज। तुम मुझे थोड़ी और देर हो जाती तो। अवनी शांत हो जा, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुमने मुझे बचा लिया, रिलैक्स। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम हर चीज इतना लाइटली लेते हो राज। ओके 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 ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, एंड आई विल बी केयरफुल। मैं इधर उधर कहीं नहीं जाऊँ, ठीक है? अवनी वैसे एक और सरप्राइज भी है। क्या सरप्राइज? बताऊंगा नहीं, तुम्हें खुद देखना होगा। चलो जी, आपकी गोद भराई की रस्म पूरी हुई कि नहीं? ना जी ना, अब तो एक रस्म बाकी है। भावना भाभी के मायके से शगुन आने वाला है। हर बार की तरह वो भी मैं ही कर देती हूँ। नहीं माँ, आप नहीं करेंगी। तो और कौन करेगा? भाई इसे करना चाहिए कायदे से, आपके मायके वाले। आइए प्लीज। बहुत ही खुश नसीब है कि जिसे राज जैसा दामाद मिला, इसलिए तो मनाया है हमें यहाँ आने के लिए। उसे हमारा दामाद भी बहुत अच्छा है, मगर हमारी बदकिस्मती कि हमने इन्हें अपनी जिद और अकड़ में इन्हें कभी अपना ना सके। मगर अब हम इस दामाद का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। देखो हमने शगुन लाए हैं खुद बराई की रस्म। भैया आज पहली बार मेरे मायके से शगुन आया है। आप खुद अपने हाथों से दीजिए। आइए राज, तुमने मेरे परिवार की खुशी दोबारा लौटा दी, और मैं तुम्हारी खुशी और बढ़ाऊंगा, इस मैंने वादा किया। अब इसी बात में एक फोटो हो जाए। हाँ, 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 बिल्कुल। ला राज मुझे दे, मैं फोटो खींचता हूँ, तू वहां खड़ा हो जा। ला मेनू यार, मैं खींचता हूँ। मुझे आओ जी, आओ। कम ऑन, स्माइल। अरे वो मिठाइयाँ खत्म हो गई थी ना, तो जशन सर ने मंगवाई है और आप सबको देने के लिए कहा है। यो आपके लिए और यो आपके लिए। अरे असली मिठाई तो इसमें है। ये मुझे अचानक अजीब सा क्यों फील होने लगा? हाँ भाई, काम कर, ये तो वहां पे सर्व कर, मैं देखता हूँ खाना। ठीक है। अरे अरे सुन भाई, जशन जी कुछ एक्स्ट्रा गेस्ट हो गए तो उनके लिए भी कुछ इंतजाम करना है, आप करवा देंगे? और जब चिंता नहीं करो, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई तू खड़ा क्या है, काम करते एक बार खाना लगा कि नहीं लगा, मैं भी आया। ठीक है जी। आज मैं अर्पिता को अपने हाथों से खिलाऊंगी। अर्पिता, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, हमेशा तुझे पराई समझा, लेकिन अब मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे लिए मेरा मन बिल्कुल साफ है। आज एक मुद्दत के बाद तूने इस घर को इतनी बड़ी खुशखबरी दी है और उस आने वाले बच्चे की खुशी ने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी है। अब तुझे तेरी बुआ सास से तकरार नहीं, सिर्फ प्यार ही मिलेगा। जी, आपको बच्चों से कितना लगाव है ना, काश आप आज इस काश का जवाब में लेकर आई। ये ले। आपने एडॉप्शन पेपर भर दिया? अब मैं भी चाहती हूँ एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा मुझे माँ कहकर पुकारे। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। अब ऐसा करेंगे कि हम तीनों मॉम्स ना अपना एक अलग ही गैंग बना लेंगे और सब बच्चों के साथ मिलकर ना खूब धमाल मचाएंगे। सारे रिटर्न गिफ्ट तैयार हो गए, सारी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इन्हें देने का टाइम आ गया। देखती हूँ बाहर कुछ। यू ओके? इस छोरी को खत्म करने का यो ही सही वक्त है। I'm sorry राज कि मैंने तुम्हें इतनी डांट सुनाई, लेकिन जब तुम्हें कुछ होता है ना तो मेरी जान पर बनाती है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हें कोई दुख या तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, क्योंकि जब तुम्हें दर्द होता है तो उससे 10 गुना ज्यादा मुझे होता है। इसलिए प्लीज प्लीज आइंदा तुम अपना ध्यान रखना। मेरी जिंदगी हो। ओ, यानी कि अवनी को मारूंगा तो 2 मिनट में उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन राज को मारूंगा तो यो छोरी जीते जी मर जाएगी। वाह विराट, यो प्लान तो और भी बढ़िया है। अवनी राज को इतना चाहे है कि जिंदगी भर एक एक पल रोज मरती रहेगी राज की याद में। यो के बाप जी, महाराज नावा शिकार कट्ठे गायब हो गया। चलिए अच्छा है, सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। मेहमान भी अपने रिटर्न के से बहुत खुश है। जो काम अवनी ने हैंडल किया है उसमें तो कमी हो ही नहीं सकती है ना। भाई देखो मेहमान लोग चले गए तो तुम एक काम करो, तुम बैठ जाओ। चलो चलो बैठ। अक्षत पर घर वालों को भी तो रिटर्न गिफ्ट देने हैं। भाभी भैया का ये मतलब है कि आप बैठ के भी गिफ्ट दे सकती है। चलो बैठो बैठो बैठ। और सबसे पहले गिफ्ट तो हम ये मैडम को ही दे देते। मेरे लिए गिफ्ट? हाँ तेरे लिए। ले ले। कितना सुंदर है। अवनी, जैसे तुम हम सबका ख्याल रखती हो, ये लॉकेट तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है। कर रहे हो यार? तो राज करते क्या है? पानी मांग रही हूँ। अरे हाँ हाँ लाता हूँ, बोला ना। विराट, विराट की आवाज। राज यहाँ क्या कर रहे हो और किसे ढूंढ रहे हो? कुछ तो बोलो। I love you. चल, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राज मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। चलो मेरे साथ, चलो चलो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या? ये सुरक्षा कवच अर्पिता भाभी ने मुझे दिया था। तो फिर ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए हुआ ना? मेरी सेफ्टी तो तुमसे राज। चल अब ये मेरी खातिर पहन लो। हैप्पी? भाई सुबह से सबको खिलाते खिलाते मैं खुद इतनी बिजी हो गई कि मैंने कुछ खाया ही नहीं। मुझे तो बहुत भूख लगी। अक्षत तू ही खा के देख, ट्राई कर। अरे बस आप खाइए ना, चलिए पहले आप खाइए। सब कुछ इतने अच्छे से संपन्न हो गया, बहुत खुशी है मुझे इस बात। बच्चों सबके लिए कुछ लेके आता हूँ डेजर्ट में, गाजर का हलवा, ठीक है? बहुत काम कर लिया जशन जी, आप फिक्र मत करिए, मैंने मीठे के लिए बोल दिया, लाता ही होगा। हेलो। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मैडम, मैंने आपको सावधान करने के लिए फोन किया है। विराट हमारी हिरासत से भाग गया है। विराट? तब वो ये संगीता अब बोलती तो बंद होएगी ना थारी। जो सुनकर कि विराट पुलिस को चकमा देकर आ गया। विराट कमीने। अरे चुप! मारे को पकड़वा कर दोनों परिवार अच्छे खुशियां बना रहे हैं, वो भी आज के दिन जिस दिन मारे को फांसी की सजा सुनाई गई। वाह! देखो विराट, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, तो हमसे जो बनेगा हम तुम्हारे लिए करेंगे, लेकिन प्लीज। अरे ना, मरने से पहले मारे से जो बनेगा वो मैं करूंगा। अरे विराट कोई छोटा मोटा पटाखा ना है जो जलाया और फुस। विराट मरेगा तो धमाके के साथ, और मरते मरते एक मौत और दे जाऊंगा जिसकी याद में तुम सब लोग तड़पते रहोगे। ये स्पेशल गिफ्ट दोनों परिवारों को हमारी तरफ से, पुरोहित और खंडेलवाल। अरे तुम लोगों की जिंदगी हराम कर दूंगा। एक फांसी का ऐलान तो हो चुका है, दूसरे मर्डर करने पर दूसरी फांसी तो ना लगेगी ना हमारे। अरे दिल को छूने वाला लव सीन चल रहा है हमारे सामने। दोनों प्रेमी एक दूसरे को बचाने में लगे हैं। पर अवनी, मैं थारे को ना मारूं। अरे इस गोली का शिकार तू ना है अवनी, तू तो जिंदा रहेगी, ताकि हर रोज हर पल तिल तिल मर सके। अरे तारे को मारना मतलब तारे पे एहसान करना, और विराट अपने दुश्मन पर कभी एहसान ना करता। अरे मैं तो उसको मारूंगा जिसमें थारी जान बसी। तुम्हारा मतलब है हमारा भांजा राज। अरे मारा भांजा अब मरेगा। दोनों परिवार अपना एक एक बेटा खो देवेंगे। यो ही तारी सजा है। मौत से बदतर जिंदगी जिएगी तू, एक जिंदा लाश पर। तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाप रे दोनों नैना। सच हो गया। शुक्र तुम्हें कुछ नहीं होगा अपनी बहू ना।